भाई बजेंद्र एमसी थे, मेरे पास कभी भी अपने वार्ड की कोई भी समस्या लेकर आए पूछो इनसे, साथ चलकर टेलीफोन पर जहां भी समाधान निकलेगा साथ के साथ। कारण है जिस काम खातर हम राजनीति करें, अगर हम वो काम में नहीं करवा रहे फिर क्यों कर रहे हैं, तो अपने धंधे करने चाहिए। और हुआ है ऐसा, आप लोग मेरे को एक मौका और दे 2024 में, काम टो गए भाई, कोई काम करवाना था के काम टो है के लेगा ये गर्म किया। मेरे पास एक हमारी माता जी यहां बोल के भी गई थी, उनके जो भी कोई नौकरी की बात है बच्चों की, मेरे पास इस वार्ड की भी ये लिस्ट है, बच्चे 14-15 बच्चे लग रहे हैं, ये लिस्ट है मेरे पास, हर वार्ड में तो बच्चे लग रहे हैं, विदेश में भी भेज रखे हैं। गाना अपना यूनिट है बहुत बड़ा और खेती का काम भी है, 11,000 एकड़ जमीन वहां ने रखी है, वहां अपने सफेदों के बच्चे जा रहे हैं, खेड़ा खेमावती के बच्चे जो है वहां जाकर पूरा यूनिट बना काए हैं। उसका कारण था वहां हमने 20 करोड़ रुपया खर्च करना है, वहां की भी लेबर मिल जाती है, हमने वेल्डर भी वहां मिल जाते, बिजली वाले भी वहां मिल जाते, लेकिन नहीं, खेड़े के बच्चों के हमने पासपोर्ट बनवाए, वीजा लगवाए और भाई उनकी टिकट बनवाई, एक एक बच्चे पे 1-1 लाख रुपये, 1.5-1.5 लाख की टिकट आने जाने की उनकी बने थी। वो क्यों किया कि मेरे हल्के के बच्चों ने पैसा मिलना चाहिए वहां जाकर। आप गोली रोड पे जब भी जाओ हो, पार्किंग में जगह नहीं पाती, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की भाई परमात्मा के आशीर्वाद से ये बच्चे जो हैं इतने परिवार चल रहे हैं। पूरे देश में 32 यूनिट हैं अपने, पूरे देश में, और जहां भी कभी आपका जाने का मौका मिल जाए उस यूनिट में जाके देखो, सफेदों के बच्चे पाएंगे वहां, हल्के के बच्चे पाएंगे, गांव के, शहर के, मंडी के बच्चे पाएंगे। मैं नेपाल में चला गया, 7 साल हो गए थे यूनिट लग गए, तो मैं गया तो वो दिखाने लग रहे थे बच्चे, मैंने ये यहां ये चीज है जी यहाँ भाई, और मैंने सोचा कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो नेपाल के, बोले जी हम तो सारे सफेदों से, सब सफेदों हल्के के लग रहे थे आप। जो बोला मैं हनुमानगढ़ी का हूँ, मैं फलाने वार्ड का हूँ, मैं बताने लग गए 7 साल से विद फैमिली जाकर वहां रहने लग रहे, काम करने लग रहे, जिसका परिवार पड़ जाए, जिसके बच्चे पड़ जाए, बंदा ना मैंने करे पास से। मेरे कई साथी आओ थे, इन्हें वोट नहीं दे रखी, मगर फिर बोले इसने दूर बदलवा दे, मगर कदे युवा दे दे, इसका काम कर दो, कदे युवा कर दो, अरे मानस इनसे काम लेना है, प्यार से लेना है, इनको प्यार से करोगे तो आगे युवा दे देगा, वोट का कोई रोना नहीं होगा। हर गांव में, शहर में, वार्ड में जाके एक बात और कही मैंने, मैं एमएलए बनाया जब आप लोगों ने जिम्मेवारी दी, भैया ना सोचियो भाई मैंने वोट कौन दे रखी काम को कर, मैं सारे आओ, क्योंकि जिम्मेवारी पूरे हल्के की अपने देख ले, फिर तो बोले है वो ले 5 साल बोले रहेगी, जहां विकास छोटा था 2019 में, जहां काम छोटा था उड़े खड़ा है, उससे आगे नहीं सर क्या कारण है। और भी लोग हम जिम्मेवार लोग तो और भी हैं, जिन्हें इलेक्शन लड़े हुए भी जिम्मेवार है, पार्टी ने इलेक्शन लड़वाया होगा, वही क्यों नहीं काम करवा देगा, आत्मा तो उनके भी है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि लगन नहीं है, लगन हो तो सब कुछ हो जाएगा, मेहनत भी हो जाएगी, सारी बात हो जाएगी, तो इसलिए लगन होनी चाहिए काम की। इस इलाके को आगे लेकर चलना है तो भाई साथ दे, और मैं भाई 24 घंटे यहाँ दरवाजे में कोई आदमी गया हो पूछना, सबसे पहले के हुए आदमी का मान सम्मान भी हुआ। अब मैं आपके पास आया, आप नहीं सोचो करे बिठावा केक पिला दे, केक खुआ दे, सोचो ना मैंने कितनी खुशी हो गई। आप लोग कभी गए हो वहां, पूछा ना गया हो, एक आदमी खड़ा होकर बता दे भाई मैं गया था, हंड कहा गया, मेरे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, पूरे पूछो वैसे जाने के बाद, क्योंकि अपन इसी समाज में रहना है, यही रहना सफेदों में, तो इस पहले भी थे, बिना बड़े भी थे, बड़ा पाछा भी थे, और भाई बीच में बिना बड़े भी रहे, लिए रात का और संभाल दियो, बड़ा पाछा 5 साल था रहे, इतने बढ़िया बढ़िया काम आ रहे। अरे एक चीज और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो हाईवे बने हैं ना, मेरे दिमाग में बहुत बड़ा नक्शा है, और जिसने मैं सिरा चढ़ाऊंगा छोड़ता नहीं, ये जो बड़े हाईवे बने हैं ना, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हाईवे के साथ लगती है, क्योंकि मैं देख के आया हूं, मैं चाइना गया था,
वहां के एसीजेड एसीजेड नाम तो फट दे ही ले दे आदमी कई हमारे साथी हमारे लाइन के साथी ने कह भी जाए हम न्यू करेंगे न्यू नहीं बेरा एसीजेड कितने बड़े हो गए क्यूकर लग गए हैं हमने इंडस्ट्री चलाई है लगाई है उस चीज के बारे में ज्ञान भी होना चाहिए। मैं चाइना जा रहा था इतने बड़े बड़े एसीजेड थे इनके जो मेन हाईवे के साथ साथ दो दो तीन तीन किलोमीटर चौड़े इतनी इंडस्ट्री लग रही थी। तो ये जो बड़े हाईवे जो बड़े हैं एक मेरा सपना भी है कि मैं यहाँ पांच चार जो है वो बड़ी इंडस्ट्री हाथ में बात आने की बात है भाई जब भी हाथ में मेरे दे बाकी काम मैं करूंगा तो इसलिए अगर यहाँ पांच सात बड़ी इंडस्ट्री आ जाए तो हमारे बच्चों को फरीदाबाद गुड़गांव और बार धक्के खाने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं कई मैं देखा करूं खेड़ा खेमा रोती के बहुत बालक लागे जैसे आपने इस वार्ड में तभी 14-15 बच्चे हैं हर वार्ड में तो है खेड़ा खेमा होती के बालक आओगे तड़के घर तक खाकर जाओगे दोपहर की टिफिन लेके जाओगे शाम में फिर अपना घर आने का सफेदों का भी नहीं हुए कहने का मतलब यू है जमा घर में नौकरी मिल रही और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं थारे में तो होंगे थारे जानकार भी होंगे परिवार में तो भी होंगे पूछ के देखो कोई करवाओगे ठहरने का रहने का सब व्यवस्था अपने आदमी करेंगे अरे वहां में भी बेरा लाग जाएगा भाई अपने इलाके के कितने बालक काम करें। तो इसलिए आप लोग युवा अगला 2024 वाला मौका हाथ में ले और पांच साल मेरे पे दबा के काम ले भारद्वाज जी पाछे भी तुमने दबा काम ले लिया रख फेर ले क्योंकि एक प्लान की हिम्मत मेरे में एक गुंडे का ठीक है एक प्लान का तो बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है आगे की तो आगे देख लिए एक प्लान की तो मेरे में हिम्मत काम करवा अभी एक दिन नवीन भाटिया जी का टेलीफोन चला गया मेरे पास बोला जी वो अपना कोई उसमें उज्जैन में कोई वो बताया वहां बताया नहीं सह भाई बताया तो नहीं काम चलता वहां बताओ उनके रिश्तेदार और उनका एक भाई जा रहा था परिवार ने लेकर मैंने जब एक टेलीफोन करा तो उनको रिसीव करके उनको फिर सारा जैन दिन वो वहां रहे रहने क्योंकि वहां सारी जब देखोगे मेरे बताने की जरूरत नहीं है वहां देखने तो मेरा लग जाएगा व्यवस्था अपने आदमियों के लिए कितनी बढ़िया कर। तो इसलिए आप लोगों ने बड़े ध्यान से बात सुनी और भाई सेवा करी मीठा और लिया के दे दिया इसी दिन खाने चाहिए और सारे लेके जाइए महिला और बैठे रहियो 10 मिनट में सारे भाई माताएं बहने सारा मुंह मीठा सारे करके जाइयो बहुत बहुत धन्यवाद मेहरबानी जय हिंद। यहाँ सब ने हमारी बातें सुनी और हमने जो यहाँ इलाके में विकास करवाए उनके बारे में बताया और यहाँ मेरा मान सम्मान भी इन लोगों ने बहुत बढ़िया तरह से किया ये प्रोग्राम था। अगर वार्ड नंबर 17 की जो गलियों की अगर बात करें आप काफी समय के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं तो किस तरह अभी यहाँ की जो गलियाँ आपको नजर आ रही हैं? इनमें मैक्सिमम गलियां जो हैं बन चुकी हैं और फिर भी अगर कोई गली बाकी है कोई नाली बाकी है वो उसके लिए हम यहां से नगर पालिका से कह के बनवाएंगे सारा करवाएंगे पूरा काम। जनता जनार्दन की ओर से क्या 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 समस्याएं जो इलाके की जो आपके सम्मुख जो रखी गई हैं? एक तो यहां इसका वो कोई लाइट कार वो इनके बच्चों का कोई स्कूल के आगे का स्पीड ब्रेकर की बात थी वो रखी है और जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं कोई बेरोजगारी की भी समस्या है यहाँ उसके लिए हम पहले लगे हुए हैं बच्चों को रोजगार दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पैरामेडिकल के मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पैरामेडिकल हमने कोशिश करके यहाँ मंजूर करवाया था मुख्यमंत्री जी से लेकिन वो किन कारणों से यहाँ लग नहीं पाया वो जगह वजह क्या है क्या रही है वो तो जगह की रही है जैसे प्रयास हम अब भी कर रहे हैं कि भाई यहाँ पैरामेडिकल बढ़े।